सौरभ जोशी अपना ब्लॉग कौन से मोबाइल से रिकॉर्ड करते हैं, अपने मोबाइल में कौन कौन सेटिंग करते हैं जिससे कि उनका ब्लॉग इतना अच्छा रिकॉर्ड होता है, इतना क्लियर बनता है। आप में से काफी सारे लोग ये जानना चाहते हैं कि भाई सौरभ जोशी कौन सा अपने ब्लॉग को बनाते हैं, कौन कौन से सेटिंग करते हैं। और दोस्तों, अगर आप भी एक ब्लॉगर हैं तो आज का ये वीडियो आप ही के लिए है। आज मैं आपको बताऊंगा कि सौरभ जोशी जो है वो कौन से मोबाइल फोन से अपना वीडियो को बनाते हैं। इसके साथ ही बताऊंगा कि आप अपने मोबाइल में कौन कौन सेटिंग करेंगे जिससे कि अगर आप ब्लॉग बनाते हैं तो आपका ब्लॉग काफी अच्छा बनेगा, एकदम हाई क्वालिटी में बनेगा और काफी अच्छे तरीके से आप अपना ब्लॉग को शूट कर पाओगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अपने भाई का नाम जान लीजिए। दोस्तों, मेरा नाम है सुजीत और आप देख रहे हैं सुजीत के वीडियोस। तो सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा करके ऑल पर सेट कर लीजिए ताकि मेरे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन मिले और सबसे पहले हमारे वीडियोस को आप वॉच कर सके। तो सबसे पहले बात करें कि आखिर सौरभ जोशी कौन सा मोबाइल फोन से अपने ब्लॉग को रिकॉर्ड करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर दो बात निकल के आती है। पहला तो ये है कि दोस्तों, जब भी वो ब्लॉग बनाते हैं तो मोबाइल से नहीं बल्कि DSLR कैमरा से बनाते हैं, लेकिन कभी कभी मोबाइल फोन से बनाते हैं। तो मोबाइल की अगर बात करें तो वो अपने ब्लॉग को iPhone से रिकॉर्ड करते हैं, लेकिन अधिकतर टाइम ऐसा होता है कि वो अपने ब्लॉग को DSLR से ही शूट करते हैं। लेकिन यहाँ मैंने बता दिया कि जब भी मोबाइल की बात आती है तो वो iPhone यूज करते हैं और iPhone से भी काफी अच्छा क्वालिटी मिल जाता है ब्लॉग के लिए, वीडियो के लिए, तो वो iPhone ही यूज करते हैं। अब आप में से अधिकतर लोग सोचेंगे भाई हमारे पास तो आईफोन है ही नहीं। मैक्सिमम लोगों के दिमाग में चल रहा होगा भाई हमारे पास तो आईफोन है ही नहीं, तो हम इतने अच्छे ब्लॉग कैसे बनाएंगे, कौन कौन सेटिंग करेंगे वो तो छोड़ दीजिए, लेकिन हमारे पास इतना अच्छा तो फोन ही नहीं है, तो क्या हमें फोन लेना पड़ेगा आईफोन, या फिर आप एंड्रॉयड से भी अच्छे खासे ब्लॉग बना सकते हैं। तो बिल्कुल आप अपने एंड्रॉयड फोन से भी बहुत ही अच्छा ब्लॉग बना सकते हैं, आईफोन की तरह तो नहीं लेकिन फिर भी काफ़ी अच्छा ब्लॉग आप बना सकते हैं। और जो सेटिंग वो करते हैं वही सेटिंग मैं आज आपको बताऊंगा इस वीडियो में कि अगर आपके पास एंड्रॉयड फोन है तो आप एंड्रॉयड फोन में कौन कौन सेटिंग करेंगे जिससे कि आप भी अच्छे तरीके से हाई क्वालिटी में ब्लॉग रिकॉर्ड कर सकते हैं। चलिए अब मैं आपको दिखाऊंगा कि अगर आपके पास मेरी तरह एंड्रॉयड मोबाइल फोन है तो आप इसमें कौन कौन सेटिंग करेंगे जिससे कि आप अच्छे क्वालिटी में ब्लॉग रिकॉर्ड कर पाएंगे। ठीक है, तो मान लीजिए कि आपके पास जो भी फोन है ना वही सबसे अच्छा फोन है। सबसे पहले आप माइंड में ये सेट कर लीजिए, जरूर नहीं कि आपके पास आईफोन होना ही चाहिए, आपके पास जो भी फोन है, जो भी फोन आप यूज करते हैं वही फोन आपके लिए बेस्ट है। ठीक है, दिमाग में सबसे पहले ये फिट कर लीजिए तभी आप अच्छे से वीडियो बना पाएंगे। तो जब भी आप ब्लॉग बनाओगे ना आपके दिमाग में चलते रहेगा कि भाई मेरा ब्लॉग अच्छा नहीं बनेगा क्योंकि मेरे पास आईफोन नहीं है, और यही कारण है कि आपका ब्लॉग जो है दिमाग भटक जाएगा आपका और अच्छे से आप वीडियो रिकॉर्ड नहीं करवाओगे, ब्लॉग अच्छे से नहीं बना पाओगे। ठीक है, अब सबसे बात करेंगे आपको कैमरे में आने के बाद यहाँ पर कौन कौन सेटिंग करना पड़ेगा जिससे कि आप अच्छे क्वालिटी में वीडियो बना पाओ। ठीक है, अब देखिए मैंने कैमरा ओपन कर लिया है, अब मैं जाऊंगा सिंपल सा वीडियो वाले सेक्शन में और यहाँ पे देखिए सबसे पहले आपको जाना सेटिंग में और यहाँ पर वीडियो का क्वालिटी आप सेट कर लीजिए जिससे कि आप अच्छे हाई क्वालिटी में वीडियो रिकॉर्ड कर पाए। ठीक है, इसके बाद बताऊँ की आपको रिकॉर्ड कैसे करना है। तो यहाँ पे देखिए नीचे में आता हूँ और नीचे आने के बाद यहाँ पर देखिए आपको एक सेटिंग दिखा दे रहा है जिसका नाम है वीडियो रिजोल्यूशन, और यहाँ पर आपको क्लिक करना है और क्वालिटी आपको सबसे पहले रखना है 1080p में। अगर आपके फोन में 1080p सपोर्ट करता है देन आपको 1080p रखना है। अगर ये क्वालिटी आपके फोन में नहीं है, इससे कम वाला क्वालिटी है, आपका फोन थोड़ा सस्ता है, थोड़ा कम दाम वाला है, तो यहाँ पर आपको क्वालिटी रखना है 720p में। ठीक है, ये हो गया पहला सेटिंग। इसके बाद सेकंड सेटिंग यहाँ पर इसी के नीचे में ही दिखा देगा या फिर हो सकता है कि आपके फोन में अलग से उसके अगले वाला सेटिंग में दिखा दे, तो यहाँ पर आपको देखना है FPS। ठीक है, FPS जहाँ भी आपको दिखा देगा वो देखना है, यही मेन क्वालिटी सेट करता है जिससे कि आपका वीडियो क्वालिटी बेहतर हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ देखिए मेरे फोन में 30fps भी सपोर्ट करता है और 60fps भी सपोर्ट करता है, तो अगर आपके फोन में दोनों दिखाई दे तो आपको रखना है 60fps, आपको सेट करना है 1080p एंड fps में रखना है 60fps। कि अगर आपके फोन में 1080p क्वालिटी नहीं सेट कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है, तो यहां पर 720 में रखना है और fps आपको रखना है 30fps। अगर आपके फोन में अच्छा क्वालिटी है तो यहां पर आपको सेटिंग रखना है 1080p और यहां पे 60fps, क्योंकि दोस्तों आप जब भी ब्लॉग बनाते हो ना, घूमते रहते हो, हिलते रहते हो, उछल कूद करते रहते हो, तो आपका ब्लॉग का क्वालिटी जो होगा वो काफी अच्छा आएगा और ज्यादा आपका सेक नहीं होगा, आपका वीडियो अच्छे क्वालिटी में रिकॉर्ड हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे दूसरा सेटिंग जो है, अगर आप वीडियो बनाते हो तो आपको दिमाग में ये रखना है, बहुत सोचते हैं कि भाई हम फ्रंट कैमरा से रिकॉर्ड करें या फिर बैक कैमरा से रिकॉर्ड करें। ठीक है, तो आपको हमेशा बैक कैमरा से ही अपने वीडियो को रिकॉर्ड करना है, कभी भी आपको फ्रंट कैमरा से रिकॉर्ड नहीं करना है, इसलिए क्योंकि फ्रंट कैमरा क्वालिटी जो है वो बैक कैमरा से काफी खराब रहता है, काफी कम रहता है। ठीक है, तो जब भी आप बैक कैमरा से वीडियो बनाओगे तो वहां पर काफी अच्छा क्वालिटी आपको मिल जाएगा। अब यहाँ पे बात करेंगे, काफी लोग सोचते हैं कैमरा को पकड़े कैसे, तो आपको अपने मोबाइल को ऐसे पकड़ना। ठीक है,
इस तरीके से आपको अपने मोबाइल को पकड़ना है, ठीक है। और उसके बाद आप जो भी बोलना चाहते हो, अरे दोस्तों आज मैं यहाँ जाऊंगा, ये करूंगा, उनसे मिलूंगा, आपको यहाँ पर ले जाकर वहां का सीन दिखाऊंगा, आप ऐसे वीडियो बना सकते हो। और जब भी आप वीडियो को बनाओ तो यहाँ पर देखिए, आपको एक गलती नहीं करना है, यहाँ पर देखिए 1x सेटिंग दिखा दे रहा है, ठीक है। यहाँ पर आप देखिएगा 1x सेटिंग दिखा दे रहा है, और यहाँ पर देखिए वाइड एंगल का भी यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा, एक सेटिंग यहाँ पर मिल जाता है वाइड एंगल, ठीक है। मतलब कि अभी आप देखो मेरे फेस को देखना, ठीक है, अभी 1x में है, आपको सबसे नजदीक दिखाई दे रहा हूँ, ठीक है। लेकिन जैसे ही मैं वाइड एंगल में करूंगा ना, मतलब कि आधे से भी, ठीक है, हाफ एक्स में, अब देखिए मैं थोड़ा सा आपको दूर दिखाई दे रहा हूँ और साइड साइड में आपको एक्स्ट्रा जगह भी मिल रहा होगा। तो ब्लॉग बनाने के लिए जरूरी है कि आपका बैकग्राउंड जो भी चल रहा होगा वो आपको दिखाना है अपने ब्लॉग में, ताकि आपका ब्लॉग जो होगा वो अच्छा बनेगा और साइड साइड में जो भी चल रहा होगा वो भी आपके ब्लॉग में रिकॉर्ड होगा। ये सही सेटिंग होता है वीडियो को रिकॉर्ड करने के लिए अगर आप ब्लॉगर हो, ठीक है। तो हमेशा आपको वाइड एंगल को यूज करना है, कभी भी आपको 1x में रिकॉर्ड नहीं करना है। हाँ, अगर आपके फोन में वाइड एंगल नहीं है तो अलग बात है, आप 1x में कीजिए, लेकिन अगर आपके फोन में वाइड एंगल है तो आपको हमेशा ब्लॉगिंग के टाइम में वाइड एंगल ऐसा यूज करना है, जिससे कि आपका एरिया जो है वो थोड़ा सा इनहेंस हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा और आप अच्छे से वीडियो को रिकॉर्ड कर पाओगे, ठीक है। तो ये दो तीन सेटिंग है जो आपको हमेशा ध्यान रखना है, और इसके बाद आप अच्छे से रिकॉर्ड कर सकते हैं। एक सेटिंग और करना है, सेटिंग नहीं है, आपको एक ट्रिक बता रहा हूं, जब भी आप वीडियो रिकॉर्ड कीजिए आप अपने फेस से थोड़ा सा ऊपर रखिए अपने मोबाइल फोन को, ताकि लाइटिंग का जो सेटअप होगा ना वो आपके फेस पर अच्छे से पड़ेगा, ठीक है। अगर आप कैमरा को नीचे करोगे ना, आपके फेस में लाइट अच्छे से नहीं आएगा। अगर आप अपने फेस हल्का से ऊपर रखोगे अपने मोबाइल फोन को, देन आपके फेस में लाइटिंग अच्छे से पड़ेगा और वीडियो भी रिकॉर्ड काफी अच्छे से होगा। ये चीज आप ट्राई करके देखना, आपको फर्क समझ में आएगा कि अगर आप फोन को नीचे रखोगे या बराबर में रखोगे तो कितना लाइट पड़ता है आपके फेस में, और हल्का सा ऊपर रखोगे तो कितना लाइट पड़ेगा आपके फेस में, ये चीज आपको समझ में आ जाएगा। इस तरीके से आपको अपने फोन में सेटिंग करना है, और इसके बाद आप अच्छे से वीडियो को रिकॉर्ड करिए। इसके साथ साथ आप जब भी बाहर जाइए, भीड़ भाड़ वाले इलाका में जाइए, तो आपको एक वायरलेस माइक लगाना है, जिससे कि आप अच्छे से वॉइस रिकॉर्ड कर पाओगे। भीड़ भाड़ होता क्या है ना कि नॉइज बहुत ज्यादा आता है, इसलिए आप एक वायरलेस माइक ले सकते हैं। अगर आपके पास बजट नहीं है, देन शुरुआत में आप अपने मोबाइल फोन से रिकॉर्ड कीजिए, इंटरनल माइक से आपका वॉइस रिकॉर्ड हो जाएगा। लेकिन अगर आपके पास बजट है, थोड़े बहुत पैसे हैं, तो आप 2000-2500 का जो वायरलेस माइक होता है ना, वो आप परचेज कर सकते हो, ठीक है। कौन सा लेना है ये आप देख लीजिएगा अपने हिसाब से, कोई स्पॉन्सर यहाँ मैं नहीं कर रहा हूँ, आप अपने हिसाब से, अपने बजट के हिसाब से वायरलेस माइक ले लीजिएगा। इसके बाद आप जो ब्लॉग बनाओगे उसका क्वालिटी काफी अच्छा रहेगा, साउंड का जो क्वालिटी होगा वो भी अच्छा रहेगा, क्योंकि जो ब्लॉग देखने आते हैं ना वो आपके वीडियो को तो देखते ही है, लेकिन जो आप बोलते हो वो भी उनको अच्छे से सुनाई देना चाहिए। इसलिए माइक काफी जरूरी है अगर आप भीड़ भाड़ वाले इलाके में ब्लॉग रिकॉर्ड करते हो तो। अगर आप खाली खाली रन करते हो, देन आपके मोबाइल से अच्छा खासा साउंड जो है वो कैप्चर हो जाता है, तो आपको टेंशन नहीं लेना। लेकिन आप भीड़ में जाते हो, झरना में जाते हो, नदी तालाब में जाते हो, तो वहां पर आपको नॉइस का काफी दिक्कत होगा, वहां पर आपको माइक का जरूरत पड़ेगा, ठीक है। तो दोस्तों इस तरीके से आप अपने मोबाइल फोन से अच्छे क्वालिटी में रिकॉर्ड कर सकते हो अपने ब्लॉग वीडियो को, और आप सर्विस को छोड़ दीजिए, आपके पास जो भी फोन है उसी फोन से आप बेहतर तरीके से ब्लॉग बना सकती हो। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। आप मुझे पहली बार देख रहे हैं, इस चैनल पर आए हुए हैं, चलो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा करके ऑल पर सेट करिए, ताकि मेरे आने वाले वीडियोस को आप सबसे पहले वॉच कर सके। चलिए इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।